हेलो दोस्तों, मेरा नाम सावन टेक्निकल गुप्ता जी। यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मेरा स्पेशल प्रोग्राम टेक प्राइम देख रहे हैं। पिछले टेक प्राइम में जो गिव अवे का रिजल्ट आ गए हैं और जो विनर हैं ए भी सोनी, उनको मिलते हैं सोनी के हेडफोन्स। अगर आप भी अगर विनर बनना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे काफ़ी सारे कीजिए कमेंट, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरा फेसबुक पेज तो फॉलो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट वहीं सबसे पहले पोस्ट होती है। अब हम बात करते हैं खबर की। उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीक में टेक प्राइम जो है यह है लास्ट टेक प्राइम। अब इस वीक में कोई टेक प्राइम नहीं आएंगे क्योंकि मैं जा रहा हूँ कल मुंबई, तो यूट्यूब के वहाँ इवेंट्स है, ब्रांड जैम इवेंट्स है, तो वहाँ मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। कोई बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आने वाले हैं तो उनसे भी मुलाकात होगी और देखते हैं वहाँ पे कौन कौन मिलते हैं। आने के बाद आप लोगों को वहाँ का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूँगा। तो इस बीच में थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह भी होगा डिस्टर्ब। वापस 2 दिन के बाद वापस लौटते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं खबर की। तो सबसे पहली खबर आ रही है शाओमी की तरफ से। शाओमी के 4 साल हो गए हैं कंप्लीट अपने इंडिया में। यहाँ पे 4th एनिवर्सरी सेल शाओमी मना रहा है, जहाँ पे 10 से 11 12 यानी 3 दिन, 10 से 11 12, तो 3 दिन लगातार फ्लैश सेल है शाम को 4 बजे, जहाँ पे शाम को 4 बजे Redmi Note 5 Pro को भी फ़ोन खरीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये के फ्लैश सेल में। देखते हैं एक झलक क्या क्या है इस ऑफर में। हाँ तो भाई लोग, यही है 4th एनिवर्सरी का Xiaomi का सेल, जहाँ जो चल रहा है 10 से 12 जुलाई तक। तो ऑलरेडी आज 11 है, तो एक दिन का सेल बाकी है। स्टेट बैंक का कार्ड पे 500 का स्टैंड डिस्काउंट, जस्ट मनी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। इस पे 0 प्रोसेसिंग फी और 0 डाउन पेमेंट पे आप अपना मोबाइल को फिनांस करा सकते हैं। मोबी क्विक का ऑफर है 25% का कैशबैक। 4 सेल में देख लीजिए क्या है। ये Redmi Y2 फ़ोन सिर्फ 4 रुपये में आपको मिलने जा रहा है, कीमत 9000 पता है आपको। Mi Band 2 मिलने जा रहा है सिर्फ 4 रुपये में। इसके बाद मैं देख लूँ और क्या क्या है सेल में। यहाँ पे हाँ, Redmi Note 5 Pro है सिर्फ 4 रुपये में। और इसके बाद MI बॉडी कंपोजिशन स्केल जो है, इसके बाद ब्लिंक एंड मिस डील में क्या है आप देख लीजिए। Redmi Y1 Plus MI ब्लूटूथ हेडसेट लेंगे तो सिर्फ 9000 का पड़ेगा। इसी तरह एयर प्योरीफायर पे है जो डिस्काउंट है। 12 बजे का जो ब्लॉकबस्टर डील है वो कुछ ऐसा कहता है कि MI LED TV है वो आपको अवेलेबल होगा 12 बजे के टाइम में। और Redmi Note 5 Pro का जो सेल है वो भी 12 बजे के टाइम में आपको मिलेगा। मी एनिवर्सरी में कुछ खास नहीं है, 2000 का एक ही Mi Mix 2 पे ही ऑफर है। उसी तरह Mi Max 2 पे 1000 का ऑफर है। एयर प्योरीफायर है ये आपको अवेलेबल किया जा रहा है 1000 ऑफ पे। हेडफोन पे सिर्फ 50 रुपये का और Mi Band 2 पे जो है 200 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। अच्छी बात यहाँ पे ग्रैब कूपन्स देख ले। कूपन क्या है, 50, 100, 200, 500, ये कूपन आपको रोज़ 10 बजे फ्लैश सेल में आएंगे। बस आपको ग्रैब करना है, आपको 1 रुपये इसके लिए देने नहीं है। अगर आप जीत जाते हैं कोई भी कूपन तो कुछ भी प्रोडक्ट यहाँ से आप खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। MI LED TV भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी, जो कि अभी प्राइस जो आप देख सकते हैं। इसके बाद कुछ एक्सचेंज ऑफर है, कुछ गिफ्ट कार्ड है, कुछ MI के प्रोटेक्टर है उस पर डिस्काउंट है। स्मार्टफोन्स है यहाँ पे, Y2 अवेलेबल है, 5A अवेलेबल है, Y2 जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, पहले अभी थोड़ा देर पहले अवेलेबल था। 5A भी आने वाला है। इसके बाद Redmi 5 अवेलेबल, Note 5 अवेलेबल, Y1 भी अवेलेबल है, मैंने जस्ट मनी के बारे में पहले आपको बता दिया है। इसके बाद कुछ एसेसरीज वगैरह, कुछ फ़ोन वगैरह है जो आपको अवेलेबल कराएंगे। टी शर्ट अवेलेबल है, चाहे हम बात करते हैं सेल्फी स्टिक वो भी अवेलेबल है। कुछ पावर बैंक, मैंने अभी एक पावर बैंक ऑर्डर किया है ये वाला 899 वाला, बट मुझे कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिला, लेकिन मैंने अभी ऑर्डर किया, पर्सनली काम था। इसके बाद कुछ Mi ब्लूटूथ स्पीकर्स मिल रहे हैं, जो कि स्पीकर नहीं है, स्पीकर भी आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। तो बस यही कुछ है ऑफर्स वगैरह, मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ गेम वगैरह खेलेंगे तो शायद आप जीत सकते हैं Mi Mix 2, Redmi Y 2 और वगैरह वगैरह कोई फिन। तो मेरे ख्याल से अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक बार जाके जरूर चेक। चलो तो कैसी लगी डील। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो है पेटीएम की तरफ से। पेटीएम भी रोज़ एक ना एक 2 दिन पे कुछ ना कुछ नया लेके आता रहता है। फॉरेक्स सर्विस अपने साइट पर ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया गया, paytm.com। आप साइट उनकी खोलेंगे वहाँ पे आपको एक फॉरेक्स सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप NRI हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प है पेटीएम की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे पेटीएम ने क्या कहना है कि कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस, टैक्सेस, कन्वेंशनल फी वगैरह है ये वेव कर रहे हैं, ये आपसे नहीं ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से पेटीएम में तो कुछ कैशबैक भी आने वाले टाइम में आपको देंगे। तो आप चाहे तो 1.7 करोड़ रुपया लोड कर सकते हैं एक साल या एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, और चाहे तो 2 लाख रुपया तक का बाय भी कर सकते हैं। तो फॉरेक्स सर्विस जो पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है, मेरे हिसाब से एक पेटीएम का एक अच्छा प्रयास है। अब अगली खबर है जियो फोन। हाँ, कहाँ गया ये वाला जियो फोन। इस फोन की तरफ से एक अपडेट है। इस फोन का मतलब जियो का ऐसा कहना है कि जिनके पास ये पुराना वाला फ़ोन है उसमें आप सेटिंग में जाकर, सॉफ्टवेयर में जाकर आप वहाँ पर अपडेट कर लीजिए। डिवाइस में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपको जियो स्टोर में जाना पड़ेगा। देख लीजिए जियो स्टोर है, यहाँ पे जाने के बाद आप इसको जैसे ओपन करेंगे ना, तब आपको यहाँ पे आपको मैप आपको इंस्टॉल करने का एक ऑप्शन आ जाएगा, यानी गूगल मैप आपको यूज़ कर सकते हैं। अभी तक इस फ़ोन में गूगल मैप नहीं था, लेकिन अब गूगल मैप आ गया है। यहाँ पर सर्च है, साइट मैप है, तो मतलब जो भी चाहे आप लोकेशन वगैरह जहाँ से जैसे आप नॉर्मली गूगल मैप का यूज़ करते हैं, जियो फोन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छी बात है।
इसके बाद 60 डेज और 6 GB डेटा, वाओ व्हाट ए ग्रेट ऑफर, यानी 6 GB डेटा पर डे मिलेगा। जो 444 BSNL का पहले प्लान हुआ करता था जहाँ पे 4 GB डेटा पर डे मिलते थे, अब मिलेंगे 6 GB डेटा पर डे, और वैलिडिटी होने वाली है 60 डेज यानी 2 महीने तक 6 GB डेटा पर डे, यानी 36,360 GB डेटा आपको मजे से मिलने वाले हैं। कॉलिंग अनलिमिटेड फ्री लेकिन सिर्फ ऑन नेट यानी BSNL से BSNL ही मिलेंगे। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ BSNL में ही है, अच्छा डील है। अगर अगर आपको BSNL का स्पीड आपके एरिया में अच्छा आ रहा है और आपको 6 GB डेटा एक दिन में यूज़ है तब शायद आपके लिए अच्छी डील है। इसके बाद अगली खबर व्हाट्सएप की तरफ से, व्हाट्सएप का लेटेस्ट अपडेट आने वाला है, ऑलरेडी रोल आउट होने ही वाला है क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कि टेस्टिंग पूरी पूरी कंप्लीट हो गई है, बीटा टेस्टिंग भी लगभग वो हो गई है कंप्लीट, तो फाइनल अपडेट अब आने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपके कोई फ्रेंड आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो और फिर आगे आप उसको चिपका देते हो किसी दूसरे फ्रेंड को, तो दूसरे जो फ्रेंड है उनको जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज आएगा ना उसके ऊपर में एक फॉरवर्ड लेबल इस तरह से लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब यही होता है कि ये जो मैसेज है वो मेरा नहीं है, मेरा किसी की तरफ से मुझे आया था, मैंने आपको फॉरवर्ड किया। व्हाट्सएप ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जो स्पैम मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप में उसको बहुत हद तक मिनिमाइज किया जा सके, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यही है आज का टेक प्राइम, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आते हैं फिर मुंबई से, वहाँ पे फिर हम लोग टेक प्राइम को कंटिन्यू करेंगे। बीच में हो सकता है तो आपके गैजेट्स के एक दो वीडियोस भी दे सकता हूँ। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।